वेलकम फ्रेंड्स, आज जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सागरमाला इनिशिएटिव। सागरमाला इनिशिएटिव आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसके बारे में न्यूज़ में भी आता है, पेपर में भी आता है और ये काफ़ी चर्चा में रहता है, तो आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके एग्जैक्टली फीचर्स है क्या, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में वो सभी मैंने ये स्लाइड में कवर किए हैं। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना ताकि अगर MCQ में प्रीलिम में क्वेश्चन आता है तो इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आएगा। और वैसे देखा जाए तो ये प्रीलिम से ज़्यादा मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ में अगर इसमें क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो भी जो हमारा मेंस का GS3 का जो पार्ट है वहाँ पे आप इसको बहुत जगह पे कोट कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत जगह पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएगा, शिपिंग में भी आएगा, कोस्टल डेवलपमेंट में भी आएगा, बहुत जगह पे आएगा, तो उन सारी जगह पे आप सागरमाला को लिख सकते हैं। तो देखते हैं अभी सागरमाला है क्या। सागरमाला नाम से हम क्या समझ रहे हैं, सागर यानी कि ये ओशन से रिलेटेड कुछ होगा, नाम से हम इतनी चीज़ इसके बारे में समझ रहे हैं। अभी देखते हैं एग्जैक्टली फीचर है क्या। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें क्या नोट करना है, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है। वॉट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट इज़ टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट। यहाँ पर ये कीवर्ड है जो आपको लिखना है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट को लेके डेवलप करना, एंड टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स क्विकली इफ़िशेंटली एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिवली। गुड्स यानी कि जो हमारा सामान है या जो माल है, इंडस्ट्रियल होगा या एग्रीकल्चरल होगा, उस सभी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करना, ये इसका मेन फीचर है। और इसके साथ इसका कीवर्ड मैंने आपको क्या याद रखने को बोला है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे सी पोर्ट होते हैं उनको डेवलप कराना और उनके थ्रू डेवलपमेंट कराना, ये आएगा पोर्ट लेड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोजेक्ट इंटेंड्स टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स। दिस प्रोजेक्ट क्या करने जा रहा है, ये जो हमारे मेजर पोर्ट्स है और नॉन मेजर पोर्ट्स है यानी कि माइनर पोर्ट्स, ठीक है, तो उन सभी की कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए ये इनिशिएटिव बनाया गया है। सागरमाला इनिशिएटिव इज़ फॉर पोर्ट लेड डेवलपमेंट एंड एनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ मेजर एंड माइनर पोर्ट्स। आपको पता है इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और बहुत सारे माइनर पोर्ट्स है जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट ऑल्सो स्ट्राइव्स टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन कोस्टल इकोनॉमिक जोन। तो जो पॉपुलेशन CEZ में रहती है, कोस्टल इकोनॉमिक जोन में रहती है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में भी इसमें प्रोविजंस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्ट डेवलप करना है, साथ ही में वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो फिशरमैन कम्युनिटी है, उनका भी एनहेंसमेंट करना है, उनका भी डेवलपमेंट करना है, ये भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको फिशरमैन दिखता है और आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार ये तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, इसका पीपल से क्या संबंध होगा, तो फिर वो रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लोगों का भी डेवलपमेंट करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट फोकसेस ऑन 3 पिलर्स। तो 3 पिलर्स कौन थे इसके, तो वो हमें देखने हैं, आप इनको नोट कर लेना। फर्स्ट इज सपोर्टिंग एंड इनेबलिंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग इंटर एजेंसी एंड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इंटर एजेंसी एंड इंटर मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन। पोर्ट लेड डेवलपमेंट तो कराना ही है, पर कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें कराना है इंटर एजेंसी एंड इंटर मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन। जो गवर्नमेंट के ही डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या डिफरेंट स्टेट्स भी रहेंगे, ठीक है, तो उनका आपस में कोलैबोरेशन यानी कि आपस में उनका संवाद अच्छे से कराना है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये इसका पहला पिलर हो गया कोलैबोरेशन। सेकंड क्या है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट इंक्लूडिंग मॉडर्नाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू पोर्ट्स एंड पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे एनहेंस करना है, कुछ नए पोर्ट्स बनाने हैं और पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये तो जैसे दिए है वही उसका मीनिंग है कि पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि पोर्ट के आजू बाजू के जो इलाके होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कराना है, ताकि वहाँ से जो अच्छे से एक्सपोर्ट हो सके या
डेवलप हो सके या हमारा जीडीपी बढ़ सके, और नए पोर्ट्स को भी हमें सेट करना है, ठीक है। इफ़िशेंट इवैक्यूएशन टू एंड फ्रॉम हिंटरलैंड, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इवैक्यूएशन यहाँ पे कौन सा हो जाता है, गुड्स का हो जाता है, ठीक है। तो गुड्स का इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए कहाँ से, हिंटरलैंड से, यानी कि जो अंदर वाले इलाके हैं कोस्टल से काफ़ी दूर होंगे, जो इंडिया के अंदर वाले स्टेट्स होंगे, जैसे कि आप समझ सकते हैं जिनमें कोस्टल एरिया नहीं आता है, हमारा एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ऐसे स्टेट जो हिंटरलैंड स्टेट्स हम उनको बोल सकते हैं। तो उन एरियाज़ में से टू एंड फ्रॉम उन एरियाज़ में से गुड्स को अच्छे से इफ़िशेंटली ट्रांसपोर्ट करवाना, ये भी इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये भी इसका एक पिलर है। तो ये तीन पिलर थे। आई होप आपको ये सागरमाला इनिशिएटिव अभी समझ में आया होगा कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूँ, अगर आपके कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे तो आप उसको नोट कर लेना। सागरमाला इनिशिएटिव इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये काफ़ी की पॉइंट है, याद भी रखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट इज़ टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट लेड डेवलपमेंट ये यहाँ पे कीवर्ड है, एंड टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो गुड्स को क्विकली इफ़िशेंटली कॉस्ट इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करा सके। द प्रोजेक्ट इंटेंड्स टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, जो हमारे इंडिया में मेजर पोर्ट्स है 13 और माइनर पोर्ट्स जो 200-300 है, उन सभी का एनहेंसमेंट कराना है। इट ऑल्सो स्ट्राइव्स टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द कोस्टल इकोनॉमिक जोन, ऐसे लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि फ़िशरमैन कम्युनिटी हो गए, तो उनका भी डेवलपमेंट कराना है अंडर द सागरमाला इनिशिएटिव। इट फोकसेस ऑन 3 पिलर्स, इसके 3 पिलर कौन से है, द फर्स्ट इज इंश्योरिंग इंटर एजेंसी एंड मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेशन, इंटर एजेंसी, इंटर मिनिस्ट्री, इंटर डिपार्टमेंट, इंटर स्टेट कोलैबोरेशन कराना, ये इसका फर्स्ट पिलर है। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, सेटिंग अप ऑफ न्यू पोर्ट एंड पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सेकंड पिलर है। एंड व्हाट इज़ थर्ड पिलर, इफ़िशेंट इवैक्यूएशन दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम हिंटरलैंड, हिंटरलैंड से इफ़िशेंटली गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराना, तो ये भी इसका एक पिलर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सागरमाला इनिशिएटिव अब अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके बारे में आप मेंस में भी लिख सकते हैं और प्रीलिम में भी अगर क्वेश्चन आ सकता है तो उसको बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।